हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, चनकुक तुमने क्या सोचा है? तो क्या तुमने मेरे लिए किसी को ढूंढा है जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैच करेगा, यानी मुझे मेरा इजाजत मिल जाए? तुम तो जानती हो मेरे डैड बनना मुझसे सब कुछ छीन लेगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। बहुत मेहनत से मैंने इसको यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता हूँ। अगर तुम किसी को ढूंढ नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। जनको ने कहा, बॉस लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया है। तो मैं तैयार ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो तुम काम छोड़ने के लिए तैयार हो ना? जनको ने कहा, लेकिन बॉस जनको को ये जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जनको ने कहा, ठीक है क्यों ना मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। तैयार ने कहा, क्या मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा? जनको ने कहा, मुझे कोई और नहीं मिल रहा है जो आपसे कॉन्टैक्ट मैच करना चाहता है। हर कोई आपके साथ लाइफ टाइम के लिए मैच करना चाहता है। तियांग ने कहा, लगता है तुमने पैसे के बारे में नहीं कहा है, इसलिए कोई राजी नहीं हो रहा होगा। जनको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा था लेकिन कोई नहीं मिला है मुझे जो आपसे कॉन्टैक्ट मैच करेगा। तो आपको मुझसे ही शादी करना होगा अगर कॉन्टैक्ट मैच करना चाहते हो तो। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरत है, आपको तो पता ही है। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है। तियांग ने कहा, ठीक है तो फिर मैं जेहब को बुलाता हूँ, जेहब को कॉन्टैक्ट पेपर बनाने के लिए कहता हूँ। तो जेहब तियांग के घर आ जाता है। जनकुक का तियांग ने मिलकर कॉन्टैक्ट पेपर बनाया। तियांग ने कहा, जनकुक तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मेरी डैड कहेंगे, तो तुम इसके लिए तैयार होना, तुम मना नहीं कर सकते हो। जनकुक ने कहा, लेकिन कोई अगर ऐसी चीज मांग लिया जो मैं नहीं दे सकता हूँ तो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें ये करना ही होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी से प्यार है तो तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं चाहता हूँ, यानी मेरी डैड करने के लिए कहेंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद जनको का तियांग की शादी हो जाता है। तियांग वो जनको को घूर कर देख रहा था। जनको उसके पास ही लेटा हुआ था। तियांग ने कहा, तुम मेरे इतने करीब हो और मैं? उसके बाद तियांग को कॉल आ जाता है। युंगी तियांग को कॉल करते हुए कहा, तियांग के बच्चे तूने शादी कर लिया और मुझसे कहा भी नहीं, तू ऐसा कैसे कर सकता है? रुक मैं अभी आता हूँ और तेरी जान ले लूंगा। तियांग ने कहा, मेरी बात तो सुन पहले। युंगी ने कहा, क्या हुआ? तियांग कहता है, फोन पर नहीं बता सकता हो, पहले तू आ जा सामने से बात करेंगे। युंगी ने कहा, ठीक है मैं आज ही निकल रहा हूँ, तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? मेरे साथ मेरी वाइफ भी आने वाला है। जिमिन युंगी से फोन छीन लेता और कहता है, तियांग तुमने शादी भी कर लिया और हमसे कहा भी नहीं, मैं तुमसे नाराज हूँ। तियांग ने कहा, नाराज मत होना। जनकुक अंगड़िया ले रहा था। तियांग को लगा शायद वो उठने ही वाला है। तियांग ने कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ, वो उठ जाएगा। ये कहने के बाद उसने फोन रख दिया और तियांग जनकुक को बेलकोनी के सामने खड़े होकर उसको घूरे जा रहा था। जनकुक सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उसकी फेस पर रोशनी आ जाता है। तियांग जाकर रोशनी के सामने खड़े हो जाते हैं ताकि जनकुक की नींद ना टूट जाए। उसके बाद तियांग जनकुक को अभी भी घूरे जा रहे थे। अचानक जनकुक ने अपनी आईज ओपन कर लिया और तियांग को देखा। जनकुक तियांग को इस तरह से उसको देखते हुए देखकर वो बहुत ही हड़बड़ा जाता है और उठकर बैठने लगा और कहा, बॉस कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? अब कब उठे? तियांग ने कहा, इतनी क्या जल्दबाजी कर रहे हो तुम, अभी सिर्फ सुबह के 8 ही बजा है। जनकुक ने कहा, तो आप इतने सुबह को क्यों उठ गए? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या आपको कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, जनकुक इतना क्या हड़बड़ी कर रहे हो? ठीक है मैं पहले उठ गया हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। और वैसे भी मुझे तो सुबह सुबह उठने की आदत है। और तुम? जनकुक ने कहा, लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत देर तक सोता हूँ, जब तक ऑफिस की टाइम नहीं हो जाता है मुझे तो खींच का उठाना पड़ता है। तियांग जनकुक की बात सुनकर मुस्कुराता है। जनकुक तियांग को मुस्कुराते हुए देखकर उसको घूरता रह जाता है। जनकुक ने कहा, एक खरगोश हंस भी सकता है क्या? मैंने तो कभी इसको हंसते ही नहीं देखा है। तियांग जनकुक को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अभी तुम्हारी आँखें बाहर आ जाएंगे। मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे घूरते रह जाओगे, इतना घूरो मत मुझे। जनकुक ने कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो आई एम सॉरी, ये कहते वो वॉशरूम जाने लगा। तियांग ने पीछे से उसके हाथ पकड़ लिया। जनकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गए। तियांग जनकुक के नज़दीक आ जाता है और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुककर कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे ही शावर लेने जा रहे हो क्या? जनकुक ने कहा, क्या मैं समझा नहीं। तियांग उसकी और नज़दीक आ जाते हैं, उसकी यार के पास जाकर अपनी माउथ लेकर जाते हैं। उसके बाद स्लो वॉइस में कहता है, तुम बिना टॉवल के ही शावर लेने जा रहे हो क्या? जनकुक ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं भूल गया। और तियांग के हाथ के नीचे से वो निकल जाता है
और वो टावल लेकर वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर तियांग मुस्कुरा रहा था। तियांग नीचे आ जाते हैं और वो जाकर कॉफी बनाने लगता है। जंगकुक शावर लेने के बाद वो नीचे आ जाते हैं और तियांग को देखकर वो स्मेल करते हैं, कहा, तो आप कॉफी बना रहे हो, आपको कॉफी बनाना आता है, मुझे लगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तियांग फिर से जंगकुक की नज़दीक आ जाता है। तियांग को तो मौका ही चाहिए होता है जंगकुक की नज़दीक आने के लिए। उसके बाद तियांग ने फिर से जंगकुक के पास आते हुए कहा, तुमने क्या कहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना आता है, क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं कि मुझे क्या करना आता है और क्या नहीं? जंगकुक, क्या तुम्हें देखना है मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तुमने मुझे एक ऐसे कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बताओ मुझे। वो उसके सामने जाकर ऐसे कह रहा था जैसे कि तियांग खुद चाहता है कि जंगकुक उसे कहे कि हाँ वो सब कुछ करो जो तुमने कल रात को नहीं किया था। तियांग यही सुनने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जंगकुक भी कुछ नहीं कहता है, वो चुप था। जंगकुक की दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था और तियांग उसकी लिप के बहुत ही क्लोज पहुंच जाते हैं। उसको किस करने ही वाला था कि जंगकुक उसके हाथ के नीचे से फिर से बाहर आ जाता है और कहता है, वो सब क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम बिना क्या करते हो तुम? मुझे तो बस तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस चाहिए था, और तुम हो कि जंगकुक, तुम हमेशा ही मुझे तंग करते हो। और जंगकुक को घूरते हुए देखते हुए कहा, डैड पीछे है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम हमेशा ऐसी नौटी हरकतें क्यों करते हो? पहले से मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुमने रात को मुझे सोने नहीं दिया था। जंगकुक समझ गए थे कि तियांग उसके डैड को इशारे से दिखा रहा है। तियांग जंगकुक की तरफ जाते हुए कहा, हाँ वो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मैं दूर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ये कहने के बाद तियांग जो है जंगकुक की गाल पर किस कर लेता है। उसके बाद तियांग और जंगकुक सब लोग हॉल में बैठा हुआ था, बातें कर रहे थे। जंगकुक ने मन में कहा, उनको ऐसा करने की क्या जरूरत है, उन्होंने मेरी गाल पर किस क्यों किया? क्या वो अपनी डैड को दिखाने के लिए किया है या फिर जानबूझकर मुझे छेड़ रहा है? जब से मैंने उनसे शादी किया है वो तो मुझे तंग किए जा रहा है। पता नहीं कौन सी जन्मों का दुश्मनी है उनके मेरे साथ कि उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट मैरिज कर लिया और ऊपर से मुझे इस तरह से धमका भी रहा है, मेरी नौकरी भी लेना चाहता है और आप देखो मुझे किस तरह से रोमांटिक टॉर्चर कर रहा है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे शादी तोड़ना होगा कैसे भी करके। तियांग जंगकुक की आई के पास कहता है, क्या हुआ, क्या तुम कॉन्टैक्ट मैरिज को तोड़ने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम भूल तो नहीं गए ना कि मैंने क्या कहा था? शायद के अनुसार अगर मैं चाहूँ तो इस कॉन्टैक्ट को आगे भी बढ़ा सकता हो और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, इस खरोस को मुझसे चाहिए क्या? वो मुझे इस तरह से तंग क्यों कर रहे हैं? उनकी रोमांटिक टॉर्चर मेरे लिए बहुत ही टॉर्चर बनता जा रहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट जो है बाहर आ जाएगा। कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं करता हो? वो मुझे पसंद थे, नहीं वो मुझे पसंद है, लेकिन क्या मैं उनको प्यार भी करता हो? लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे अपने दिल को रोकना होगा क्योंकि मैं इनसे प्यार नहीं कर सकता हो। हमारी बस कॉन्टैक्ट मैच हुआ है और वो मुझसे प्यार कभी नहीं करेगा, वो मुझे बस टॉर्चर करेगा और कुछ नहीं। जंगकुक वो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, किसी ने उसको मैसेज किया, उस मैसेज को चेक किया और जंगकुक मुस्कुराया। तियांग ने कहा, वो किसकी मैसेज को देखकर इस तरह से मुस्कुरा रहा है? कहीं उसकी बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर युंगी और जिमिन आ जाते हैं और कहता है, शैतान कहेगा, तूने शादी भी कर लिया और हमसे कहा भी नहीं। तियांग ने कहा, चुप हो जा। जिमिन ने जैसे ही कहा कि वो प्रेग्नेंट है, युंगी ने कहा, मैं डैड बनने वाला हूँ, तो आर्यम और जिन ने कहा, क्या तियांग तुमने सुना ना, वो दोनों भी पेरेंट्स बनने वाला है। तुमने शादी कर लिया है तो इसके बारे में भी जरूर सोचना, ठीक है? तुम्हें भी पेरेंट्स बनना होगा, तुम्हें भी डैड नहीं बनना है क्या? आखिर किम खानदान को आगे जो बढ़ाना है? तियांग, एक महीने के लिए ऑफिस के काम को भूल जाओ और जंगकुक को लेकर बस तुम आराम करो, यानी तुम दोनों जितना चाहे रोमांस कर सकते हो, लेकिन एक साल के अंदर ही हमें ग्रैंड पेरेंट्स बनना है, समझ गया ना? और तुम्हें डैड बनने के लिए देर नहीं होना चाहिए, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इतना तो कर ही लोगे। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कमजोर हो सकते हो, मेरा बेटा बहुत ही स्ट्रांग है, जीन ने कहा। आर्यन ने कहा, क्यों नहीं होगा, आखिर उसके डैड इतने स्ट्रांग जो है, मैंने तो शादी के बाद ही एक महीने में तुम्हें प्रेग्नेंट बना दिया था। जीन शर्मा का जाने लगता है तो आर्यन भी उसके पीछे ही चला गया। और यहाँ पर जिमिन और युंगी ने कहा, तियांग की बच्चे तूने शादी भी कर लिया और अब पेरेंट्स भी बनने वाला है? तियांग ने कहा, क्या तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, वो बहाना देखा अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक मिंघा को कॉल लगाते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ मिंघाओ? मिंघाओ ने कहा, मैं यूनो को कॉल करके बोलता हूँ क्या हुआ है। जंगकुक ने कहा, उससे कहने के बाद क्या होगा, वो तो मुझसे ब्रेकअप ही कर लेगा अगर उसको पता चला कि मैंने अपनी बॉस से शादी कर लिया है, वो भी कॉन्टैक्ट मैच वाला, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगा। और ऊपर से
अब मुझे बच्चा भी जन्म देना होगा क्या? जनको ने कहा, मिंघाओ कैसे भी करके तुम्हें यूनुस से छुपाना होगा कि मैंने शादी किया है तियांग से। तो मिंघाओ ने कहा, जनको तुम कब तक यूनुस से छुपाओगे? कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा ना। आखिर वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने तुम्हारे बारे में पूछा था कि तुम कहाँ गए। मैंने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हो अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो यहीं पर ही है, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है। जनको की पेरेंट्स कहीं नहीं गया है। तो जनको कहा है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, तुम्हारा फ़ोन बंद है। जनको अब मैं और झूठ नहीं कह सकता हूँ, मैं भी पकड़ने वाला हूँ और तुम भी। इससे अच्छा है कि तुम उसको सारी बातें क्लियरली कह दो, तुम्हें तो पता ही इन्हों कितना गुस्से वाला है। इन्हो मिंघा के पास आ जाता है, फ़ोन को छीनते हुए कहा, तुम जनको से बात कर रहे हो ना? जनको तुम कहा हो? जनको इन की बात सुनकर कहता है, इन्हो वो मैं और यहाँ पर तियांग आ जाता है। और तियांग ने जनको से फ़ोन छीन लिया और कहा, फ़ोन पर कौन है? तियांग ने फ़ोन में जैसे ही इन्हों की बात सुना और कहा, तुम कौन हो? इन्हों कहता है, तुम कौन हो? मिंघा से कहता है, तुम जनको से बात कर रहे थे ना, तो वो कहा है? और फ़ोन पर तियांग से कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के नंबर से क्या कर रहे हो? उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? तियांग ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इन्होंने कहता, और कौन जनकुक है, और तुम जनकुक की फ़ोन अपने हाथ में क्यों रखे हो? तियांग ने फ़ोन काट दिया और जनकुक से पूछा, क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? जनकुक ने कहा, वो बॉस। तियांग ने कहा, तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है, तुम्हें ब्रेकअप करना होगा। जनकुक ने कहा, लेकिन मैं ब्रेकअप क्यों करूँ जबकि हमने कॉन्टैक्ट मैच किया है, वैसे भी हमारी शादी टूटने ही वाला है, तो मुझे ब्रेकअप क्यों करना होगा? आप परेशान मत होइए, मैं उसको समझा दूंगा, वो हमारे बीच में नहीं आएगा जब तक मैं आपके पास हूँ। तियांग ने कहा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं किसी को हमारे बीच में नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें उसे ब्रेकअप करना होगा। जनकुक ने कहा, क्या मैं समझा नहीं? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो, अगर किसी को पता चल गया कि मेरी वाइफ ही जो है किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हें पता भी है कि मेरी कितनी बदनामी होने वाला है? तुम क्या चाहते हो कि मेरा नाम खराब हो जाए? मैंने इतने सालों से इतना नाम कमाया है, तुम्हारी छोटी सी गलती के लिए मैं अपने नाम को बदनाम तो नहीं कर सकता हूँ ना जनकुक? जनकुक ने कहा, क्या छोटी सी गलती? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं ब्रेकअप कैसे कर लूँ जबकि हम दोनों शादी करने वाले थे, आपकी वजह से वो नहीं हो पाया। तियांग ने कहा, तुम शादी करने वाले थे, किया तो नहीं ना, और वो अगर तुमसे इतना ही प्यार करता था तो तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है ना, तो तुम्हें नौकरी क्यों करने दे रहे हैं? अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, क्या वो तुम्हारे लिए पैसे नहीं दे सकता है? जनकुक मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, तुम्हारा घर जो है वो कर्ज में है और तुम्हारे डैड अब पैरालाइज है, वो घर में बैठ गए हैं, वो काम नहीं कर सकता है, क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड होने के नाते यूनों को तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहिए? जनकुक ने कहा, यूनो आप उसके बारे में कैसे जानते हो? तियांग खस्ते हुए कहा, वो मेरे मुँह से ऐसे निकल गया, मैंने सुना था, मुझे लगा था कि वो फेक है, लेकिन अब मुझे पता चल गया वो रियल था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड यूनो है। जनकुक तुम्हें उसे ब्रेकअप करने होगा, वो अच्छा लगा नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगा, ठीक है, जब हमारी शादी टूट जाएंगे, अभी के लिए तुम उसे ब्रेकअप कर लो। तियांग जनकुक को यूनो को कॉल करने के लिए कहा। उसके बाद जनकुक यूनो को कॉल करता है। तियांग ने कहा, उससे कहो तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि तुमने मुझसे शादी कर लिया है। जनकुक ने तो फिर क्या कहा था, वो यूनो से कहता है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना होगा, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, मैंने तियांग से शादी किया है, यानी मेरे बॉस से शादी किया है, और तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना, कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास, और कुछ ही महीनों के लिए हमें ब्रेकअप करना होगा। उन्होंने कहा, क्या मैं समझा नहीं? तियांग जनकुक के हाथ से फ़ोन छीन कर कट देता है और जनकुक से कहता है, तुम ये नहीं कह सकते कि हमने कॉन्टैक्ट मैच किया है, अगर उन्होंने किसी को कह दिया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, तो इसे सीक्रेट रखना ही अच्छा है। उसके बाद तियांग जो है मुस्कुराता है। जनकुक वो किचन में आ जाता है, उसको बहुत भूख लगी थी। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जनकुक ने कहा, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। उसके बाद तियांग जनकुक के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाता है, जिसको खाने के बाद जनकुक बहुत ही खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद जनकुक ने कहा, चलो इन्हें कुछ तो अच्छा करना आता है, वरना वो तो मेरी सर ही खा रहा था और मुझे बहुत ही टॉर्चर किए जा रहा था, अब तो यूनो और मेरी ब्रेकअप भी हो गया, पता नहीं मैं उसको कब समझाऊंगा, और उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया है, मैं उसको मैसेज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो पूरी तरह से फंस गया हूँ। तियांग ने कहा, जनकुक क्या सोच रहे हो, इधर आ जाओ, क्या तुम्हें स्विमिंग करना आता है? जनकुक ने कहा, नहीं मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है। तियांग ने कहा, क्या तुम स्विमिंग करना नहीं जानते हो, चलो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। जनकुक ने कहा, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, आप भी जाओ। आर्यमा जीन यहाँ से गुजर रहे थे और जनकुक से कहता है, क्या हुआ बेटा,
तुम क्यों नहीं स्विमिंग कर रहे हो? जाओ जाकर तियांगी से स्विमिंग करो। दोनों साथ में स्विमिंग करोगे तो ही तो अच्छा लगेगा ना। दोनों को साथ में करने के लिए तो उन लोगों ने भी जनको को फोर्सफुली स्विमिंग करने के लिए भेज दिया। जनको जैसे ही स्विमिंग करने के लिए वो पूल में आ जाता है, तियांग उसके हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आ जाते हैं और अपनी डैड और मम्मी को दिखाने के लिए वो उसकी बहुत ही क्लोज जाते हैं। जनको की गर्दन में अपनी माउथ लेकर जाता है और वो किस करने ही वाला था। जनको ने कहा, बॉस क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो हमें देख रहा है तो मुझे ऐसा करना होगा। बस तुम्हारी गर्दन पर एक किसी तो करने वाला हो, इतना क्या सोच रहे हो? तुम समझना कि ये तुम्हारी जॉब है और तुम अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हो, समझ गया ना तुम? जनको ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन बिकिन कुछ नहीं, चलो मेरे पास आ जाओ। उसके बाद तियांग जो है जनको की गर्दन पर किस करने लगता है और उसके बाद उसकी लिप पर किस कर लेता है। अचानक जनको की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है। जनको ने तियांग को कसके पका लिया। उसकी हार्ट बीट इतना तेज हो रहा था कि जनको को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि जनको के दिल जो है बाहर आ जाएगा। तियांग उसके बाद जनको को गोद में उठाकर वो उसको हॉल में लेकर आता है और हॉल की सोफे में उसको लेटा देता है। उसके ऊपर आते उसके कपड़े को खोलने लगा और उसको किस करने लगा। जनको भी तियांग को रोकना चाहता है लेकिन पता नहीं क्यों जनको तियांग को रोक नहीं पाता है और दोनों के बीच में बहुत ही क्लोजनेस हो जाता है। दोनों बहुत ही क्लोज होने के बाद कुछ ही महीनों में जनको जो है खुशखबरी देता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जनको को बहुत ही घबराहट भी हो रहा था कि तियांग क्या कहेगा। तियांग ने जनको की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? जनको ने कहा, क्या आपको तो पता ही है कि उस दिन क्या हुआ था। तियांग ने कहा, क्या उस दिन क्या हुआ था कि क्या मतलब है? तुमने क्या सोच लिया कि मैं तुमसे बच्चा चाहता हूँ? तुम्हें लगता है कि हर कोई तुमसे प्यार करता है और अगर तुमने बच्चे के बारे में कह दिया तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? जनको बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तियांग जनको की आंखों में आंसू देखकर उसको गले लगा लिया और उसकी फोरहेड पे किस करते कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं यही कहने वाला था। तुम इतने डर क्यों गए? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो जनकुक, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जो मैं इतने दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैच को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी ना तोड़े हम और हमेशा साथ रहे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अभी से नहीं, शादी के पहले से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसीलिए मैंने नाटक किया है। डैड ने मुझे शादी के लिए फोर्स तो किया था लेकिन इतना भी नहीं कि मुझ पर कोई जोर चला सके और मेरी जायदाद जो है वो मेरे हाथ से ले लेगा, क्योंकि इसको मैंने कमाया है, वो कैसे छीन लेगा। मैं तो बस तुमसे शादी करने के लिए बस बहाना बनाया था। मुझे पता था तुम मेरे किसी न किसी को ढूंढने लोगे, लेकिन उन लोगों को मैंने यहाँ से हटाया है ताकि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़े। तो जनको ने कहा, इतना सब कुछ आपने किया है? तियांग ने जनको को बहुत ही टाइटली हक करते कहा, हाँ मैंने ही किया है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? जनको ने तियांग को खुद से अलग करते कहा, लेकिन मैं तो यूनो के साथ। जनको की बात सुनकर तियांग ने बहुत ही ज़्यादा सैड होते कहा, क्या तुम यूनो के पास जाना चाहते हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है जनको। जनको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे उसको कुछ बताना है, इसके बाद ही मैं फैसला कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, प्लीज़ बॉस। उसके बाद जनको यूनो को घर बुलाता है। तियांग भी सामने बैठा हुआ था। जनको ने कहा, क्या आप हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते हो? तियांग ने कहा, नहीं, तुम मेरी बच्ची की मम्मी हो तो मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ किसी गैर के साथ। जनको ने तियांग को घूरते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद यूनो से कहता है, देखो तुमने मुझे शादी के लिए पूछा था, मैंने भी हाँ कर दिया था और हम दोनों डेट भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया है यूनो, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें इस तरह से धोखा नहीं देना चाहता हूँ। मैंने तियांग से शादी किया था, मुझे पता नहीं था ये सब कुछ उनका रचा हुआ नाटक था, लेकिन मैं बुरी तरह से फंस गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है वो जो सब कुछ हो रहा था वो मेरी किस्मत थी और मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। अब मैं तुम्हारे पास नहीं लौटना चाहता हूँ यूनो, कहे तुम उससे नाराज तो नहीं होना, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच है, मैं अब तियांग से प्यार करता हूँ, तो तुम मुझे माफ़ कर देना और मेरी उम्मीद में मत रहना, तुम किसी और के साथ आगे बढ़ जाना प्लीज़ यूनो, हो सके तो। यूनो ने कहा, जनको तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा तुम्हें खुश देखने के लिए चाहा और मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया, हमेशा तुम पर चिल्लाया, तुम चाहकर भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने इस डेविल से कैसे प्यार कर लिया। तुम अगर मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो तो उससे कैसे प्यार कर लिया।
तियाय ने कहा, वो ज्यादा बोल रहा है। अगर उसने अभी एक और शब्द कहा ना, मैं उसकी। तो जनको ने कहा, गुस्सा करना बंद करो। उसने गलत क्या कहा है? उसने सही तो कहा। पता नहीं मुझे इस खाड़ू से कैसे प्यार हो गया। तियांग ने कहा, चनको तुमने अभी क्या कहा? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यही कहने के बाद तियांग जो है चनको का अपनी ओर खींच लेता है और उसकी लिप पर किस कर लेता है। उसको बहुत ही डीपली किस करने लगा। चनको तियांग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग उसको और भी कसके पकड़ लेता है। और यहाँ पर यूनो चनको का तियांग को किस करते देखकर वो मुस्कुराते यहाँ से चला जाता है। उसको बुरा भी लग रहा था अंदर से, लेकिन वो चनको को खुश देखकर खुश है। और यहाँ पर मिंघाओ यूनो की हाथ पकड़ लेता है। यूनो कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिंघा ने कहा, यूनो मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं देख सकता हूँ। ऐसे टाइम पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यूनो मिंघाओ के हाथ पकड़ कर चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग और चनको अपनी रोमांस में खो जाते हैं। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।